हेलो गाइस, वेलकम टू अपनाज रेसिपी ट्री। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं आप सभी का फेवरेट आम्रखंड। तो फ्रेंड्स, बनाते हैं सबका फेवरेट आम्रखंड। आम्रखंड बनाने के लिए हमने ले लिया एक बड़ा सा बाउल, और साथ ही हमने लिया है एक बाउल ये योगर्ट लिया है। इस पे बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम ठीक वाला योगर्ट है ये। आप इसके बदले हंकड़ ले सकते हैं, या फिर आप घर में जो जमा हुआ दही होता है उसको 5 से 6 घंटे कपड़े में टांग करके उसका पूरा पानी निकाल करके वैसा वाला कर्ड भी ले सकते हैं, या तो फिर आप जो रेडीमेड जो डेयरी में मिलता है श्रीखंड का चक्का, आप वो भी उसे ले सकते हैं। तो हमने लिया है एक बाउल योगर्ट, इसको डाल देंगे हम अपने बाउल में। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारा ये योगर्ट है इसको हम अच्छे से फेंट लेंगे, क्योंकि इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा हम फेंटेंगे उतना अच्छा हमारा श्रीखंड बनेगा। तो इसको हम विस्कर की सहायता से अच्छे से फेंट लेते हैं। अगर आपके पास में ब्लेंडर है तो आप ब्लेंडर की सहायता से भी इसे फेंट सकते हैं। देखिए, हमने कर्ड को 4 से 5 मिनट तक अच्छे से फेंट लिया है और ये एकदम फ्लफी हो गया है। देखिए, एकदम हल्का सा फ्लफी हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच पिसी हुई चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिठा लीजिएगा। और साथ ही हमने ले लिया है ये मैंगो का पल्प। जो मैंगो का पल्प है, आप कोशिश करिए कि आप हापुस आम भी कर लीजिए, क्योंकि हापुस आम जो होता है काफ़ी मीठा होता है और काफ़ी टेस्टी होता है। तो आपको आप मीठा आम लीजिए। और हमने इसको मिक्सी में पीस करके इसका पल्प बना करके तैयार कर लिया है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 4 चम्मच मैंगो पल्प और इसे मिक्स कर लेंगे। अगर आपको लगता है कि इसमें आम कम है तो इसमें आप आम और डाल सकती है, या अगर आपको लग रहा है कि आपका जो पल्प है या जो दही है थोड़ा सा गीला है तो आप जो मैंगो का पल्प है उसमें शक्कर डाल करके उसे थोड़ी देर पका करके उसका गाढ़ा प्योरी बना सकती है, जिससे जो आम का जो मॉइस्चर है पूरी तरीके से निकल जाएगा। इसमें थोड़ा सा पल्प और डाल देते हैं। ये हमने लिया था 1 आम का पल्प और इसे मिक्स कर देते हैं। देखिए, हमने आम्रखंड को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा इलायची पाउडर। इलायची पाउडर को हम बिल्कुल थोड़ा सा डालेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते कि इसमें आम का जो टेस्ट है वो दब जाए। तो ये इलायची पाउडर बिल्कुल ऑप्शनल है, और इसे मिक्स कर देंगे। और ये हमारा आम्रखंड बनके तैयार है। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देते हैं और इसे 2 घंटे के लिए फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख देते हैं। उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। देखिए, जो हमारा आम्रखंड था जिसे कि हमने 2 घंटे फ्रिज में ठंडा होने के लिए रख दिया था, और ये बन के बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे निकाल लेते हैं सर्विंग बाउल में। आम्रखंड को हमने सर्विंग बाउल में निकाल लिया है। अब हम इसमें डाल देते हैं, छोटे छोटे हमने पीसेस में आम को कट कर लिया था, आम के टुकड़ों को इसके ऊपर डाल देते हैं। और साथ ही इस पर डाल देंगे हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स। और थोड़े से डाल देंगे ऊपर से पिस्ता। और ये हमारा आम्रखंड बनके तैयार है।
तो फ्रेंड्स, तैयार है हमारा सुपर टेस्टी, सुपर यमी और बहुत ही इजी तरीके से बनने वाला आम्र श्रीखंड। आप इसे ज़रूर ट्राई करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। तो फ्रेंड्स, आम का सीज़न है, बना डालिए जल्दी जल्दी आम्र खंड और मेरी इस रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिए। अगले नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खाते रहिए खिलाते रहिए।